सफल साल 2019 में अब तक की सबसे सफल फिल्म कुली नंबर वन देने वाले निर्देशक लाल बाबू पंडित अब नई फिल्म राजा की आएगी बारात लेकर आ रहे हैं। इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। इस फिल्म में भी लाल बाबू पंडित के फेवरेट एक्टर खेसारी लाल यादव मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, जिसकी घोषणा बहुत पहले ही हो चुकी है। लेकिन अब लाल बाबू पंडित ने इस फिल्म पर फोकस होकर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के ऑपोजिट कौन सी एक्ट्रेस होगी, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। अगर लाल बाबू पंडित और खेसारी लाल यादव ने कुली नंबर वन के हिट होने के बाद ये संकेत दे दिया है कि फिल्म राजा की आएगी बारात भी बड़ी फिल्म होने वाली है, इसको लेकर भोजपुरी सिने इंडस्ट्री में अभी से चर्चा का दौर शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि लाल बाबू पंडित और खेसारी लाल की जोड़ी अब तक की सबसे हिट जोड़ी रही है। इनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कारोबार किया है और सबसे खास बात यह कि इनकी फिल्मों से महिला दर्शक सिनेमा घरों की ओर फिर से लौटती नजर आ रही हैं। YouTube पर भी इनकी फिल्मों का बोलबाला है। वहीं जब लाल बाबू पंडित ने अपनी फिल्म राजा की आएगी बारात की घोषणा की, तब कई लोगों को लगा कि ये फिल्म 1996 में आई रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म का सीक्वल है। लेकिन लाल बाबू पंडित ने इसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम किसी दूसरी फिल्म को भोजपुरी में नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम एक फ्रेश सामाजिक और पारिवारिक कहानी पर फिल्म बना रहे हैं। वैसे लाल बाबू पंडित जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि लाल बाबू पंडित और खेसारी लाल यादव की जोड़ी फिर से वही अपनी फिल्मों की बिग सक्सेस यात्रा जारी रख पाएगी जो आज तक उनकी अब तक की रिलीज फिल्मों को मिला है। तो फिल्म राजा की आएगी बारात से खेसारी लाल यादव एक बार फिर से अपने दर्शकों का दिल कैसे जीते हैं, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। भोजपुरी जगत से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।